सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से सभी सदमे में है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे अचानक एक्टर दुनिया से विदा ले लेंगे। गुरुवार को सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और शुक्रवार को एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। शहनाज गिल, जो सिद्धार्थ को बेइंतहा प्यार करती थीं, वो एक्टर के निधन से पूरी तरीके से टूट गई हैं। वहीं शहनाज के भाई शहबाज को भी सिद्धार्थ के जाने का काफी गम है। अंतिम संस्कार के दौरान अपनी बहन को संभालने के बाद शहबाज ने सिद्धार्थ को लेकर एक इमोशनल पोस्ट किया। शहबाज ने सिद्धार्थ की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अब वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, मेरे शेर, आप हमेशा हमारे साथ थे और आगे भी हमेशा रहोगे। ये मेरा अब सपना है और ये सपना जरूर पूरा होगा। मैं नहीं कहूंगा रेस्ट इन पीस, क्योंकि ऐसा नहीं है। लव यू सिद्धार्थ शुक्ला। शहबाज के इस पोस्ट को पढ़कर फैंस भी इमोशनल हो गए। वो भी शहबाज की इस बात से सहमत हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला वाकई में शेर थे। बता दें कि सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया है। शहबाज ही बहन शहनाज को लेकर वहां आए। शहनाज की हालत काफी बुरी हो गई थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस वक्त शहबाज ही उनके साथ थे। वो शहनाज को बार बार संभाल रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज ने अंतिम संस्कार से पहले पूजा भी की थी। शहनाज और सिद्धार्थ को फैंस ने सिडनाज नाम दिया था, लेकिन किसे पता था कि दोनों का साथ इतना कम होगा। शहनाज कई बार कैमरे के सामने सिद्धार्थ से अपना प्यार जाहिर कर चुकी थी। हालांकि सिद्धार्थ ने कैमरे के सामने हमेशा उन्हें अपना दोस्त कहा है। दोनों को कुछ दिन पहले ही बिग बॉस OTT और डांस दीवाने 3 की शूटिंग के लिए साथ में देखा गया था। इस दौरान दोनों ने साथ में खूब मस्ती भी की और सेट में दोनों की कई सारी रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ के निधन के बाद शहबाज के पिता संतोष सिंह ने कहा कि शहनाज की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं जी नहीं पाऊंगी। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।